मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम पाठ 9 श्रम पढ़ेंगे। यह पाठ भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद जिले के टिंगरिया गांव में हुआ था। उनका पहला संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ था। सन 1972 में उन्हें बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 में मध्य प्रदेश शासन को शिखर सम्मान भी इन्हें मिला था। 20 फरवरी 1985 को उनका निधन हो गया। बच्चों, श्रम का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। गांधी जी श्रम को पूजा के समान मानते थे। वे अपने समस्त कार्य स्वयं करते थे। प्रस्तुत कविता में श्रम के महत्व को बताया गया है। चलिए पहले हम पंक्ति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। तुम कागज़ पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। तुम व्यापारी हो, वह धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल। इसीलिए यह बड़ा है, वह छोटा, इसमें क्या है बल। इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों कि श्रम का महत्व सभी जगह समान है। कागज़ पर काम करने वाला अफसर हो या सड़क पर साफ सफाई करने वाला कोई कर्मचारी, दोनों ही श्रम कर रहे हैं, पर दोनों के पदों में अंतर है, पर श्रम का महत्व समान है। इसी तरह एक व्यापारी का श्रम और खेत में काम करने वाले किसान का श्रम भी समान है। दोनों ही अपने पद पर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। इसी तरह एक व्यक्ति घड़ी बनाता है और दूसरा व्यक्ति चप्पल बनाता है। यदि इस आधार पर हम भेदभाव करें या ऊंच नीच माने तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। अगली पंक्तियाँ हैं, सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, और कपास जुलाहो के जैसी ही बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसा करते थे आश्रम के अनाज, यानी आश्रम में ही पीसते थे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्रम के महत्व को स्थापित करने के लिए तथा छात्रों को श्रम करने की प्रेरणा देने के लिए गांधी जी के जीवन प्रसंगों से उदाहरण लिया गया है। कवि कहते हैं कि देश के राष्ट्रपति को ही लीजिए, वे चरखा चलाते थे, सूत काते थे, उनके सूत कहते हुए सूत जुलाहों की भांति ही होते थे। गांधी जी के आश्रम में गेहूं व अन्य अनाज आश्रम के लोगों द्वारा ही पीसे जाते थे और बीने जाते थे। स्वयं गांधी जी अनाज पीसते थे और बीनते भी थे। अगली पंक्तियां हैं, जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था, शौचालय की साफ सफाई नित करना भाता था। ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांधी जी को पुस्तक की जिल्द साजी करना भी आता था, शौचालय आदि की साफ सफाई से भी वे कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके आश्रम में हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करता था। गांधी जी के अनुसार श्रम करना ही सच्ची पूजा थी। ऐसे थे गांधी जी। मैडम पॉज कर दो। ऐसे थे गांधी जी और ऐसा ही उनका आश्रम था। गांधी जी के अनुसार श्रम ही पूजा है। इस प्रकार आश्रम के लोग भी श्रम को ही पूजा समझते थे। किसी विद्वान ने सही कहा है कि ईमानदारी से अपना कार्य करने वाला एक चपरासी उस सरकारी अधिकारी से श्रेष्ठ है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है। वास्तव में काम या पद का नहीं है, बल्कि कार्यशैली का है। हमें जो भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है उसमें ईमानदारी से सफल होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए तथा कर्म को ही पूजा मानना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।